के दो बड़े फॉर्म हैं, किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक, जो कल शहीद सुपकरण सिंह जी बल्लो, जो उनका कल अरदास या शहीदी समागम था उसमें जो हमने निर्णय लिए हैं, और शहीद सुपकरण सिंह जी बल्लो के जो विचार हैं, जो उन्होंने आंदोलन में आने के लिए सपने ले रखे थे, उनको कैसे पूरा किया जा सके। एक तो मीडिया में जो अलग अलग तरह की बातें आ रही है, ये उचित नहीं होता कि आप किसान आंदोलन के जो भी ऐलान होता है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करें। स्पष्ट सी बात है कि जो हमारा आंदोलन शंभू और खनौरी पर चल रहा है वो जस का तस रहेगा। हम सरकार की इस बात को मानने वाले नहीं कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर चले जाएं। ये तो बात ऐसी होगी कि कभी भी किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। हाँ, जो हमने निर्णय लिया है 6 मार्च का, वो उन राज्यों के लिए लिया है जो राज्यों की परिस्थिति इस तरह की है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली अफोर्ड भी नहीं कर सकते और इतनी दूरी पर है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आ भी नहीं सकते। तो जो केंद्र दुनिया को, देश को न्यायपालिका के सामने अपना पक्ष रख रही है, जिस तरह का परसेप्शन ट्रैक्टर के बारे में, इन्होंने ट्रैक्टर मॉडिफाइड कर लिया है, इनके ट्रैक्टर उनको टैंक की तरह नजर आ रहे हैं, तो ये बात को स्पष्ट करने के लिए दुनिया में भी इन्होंने, केंद्र ने निर्णय ले रखा है कि राजधानी में कहीं पर किसी किसान को नहीं आने देने। ये पहले भी स्पष्ट हो चुका। चलो पंजाब हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर होंगे, लेकिन जो बिहार से टिकटें लेकर किसान आ रहे थे उनको क्यों गिरफ्तार किया दिल्ली में, महाराष्ट्र के किसानों को क्यों गिरफ्तार किया गया, या से कर्नाटका के किसान, एक जो बड़े लीडर की घरवाली थी, जिस तरह से उसको रेल से खींचा गया, उसका सर फोड़ा गया, ये भी दुनिया के सामने था, तो हमें मालूम है। तो उन राज्यों से अब उन राज्यों की अपना निर्णय होगा, वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेंगे नहीं, उनकी हैसियत ही नहीं है, वो रेलगाड़ी से पैदल चले, कोई बस का प्रोग्राम करे, जो भी उनका निर्णय होगा, पंजाब हरियाणा को छोड़कर। ये मीडिया ध्यान से दे, जो हमारा मोर्चा चला ये यहीं पर रहेगा, यहां से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। यहां जस का तस रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं। हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है, जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है, तो इस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और तब तक यहां बैठेंगे जब तक केंद्र या ये रास्ते खोल नहीं देता। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम उस तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते, उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं, जो भी आपका निर्णय है, आप राजधानी में पहुंचिए। तो हम सरकार का ये नैरेटिव भी पूरी दुनिया के सामने रख देंगे, या तो सरकार बयान दे कि ठीक है, आपके जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं वो जंतर मंतर पे धरना लगा लें भाई, पीसफुली, यही होगा ना। या फिर अगर सरकार नहीं आने देगी तो हम देश के सामने अगली बात रखेंगे। सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का नहीं है, सवाल है पे आपको देश की राजधानी में घुसने ही नहीं देना है। तो ये बात स्पष्ट करनी थी। दूसरी बात, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है, जो कल मंत्रिमंडल की उन्होंने लास्ट मीटिंग की जो आ रहा था, उन्होंने उसके बीच किसान आंदोलन के लिए जो हमने 11 या 10 सूत्री मांग पत्र रखा, उनके ऊपर कोई विचार चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब है मोदी सरकार जी ने मन बना लिया कि किसानों को MSP लीगल गारंटी कानून नहीं देना है, ना ही किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफ करना है, ना ही C2 50% के अनुसार फसलों के दाम देने हैं, या लखीमपुर खीरी का इंसाफ, जिस तरह से उन्होंने अजय मिश्रा टैनी को टिकट दी, और बिजली बिल 2023 जो वो ये बना चुके हैं उनके ऊपर कोई नहीं बात होगी। अब जिस तरह से ओला दृष्टि और अभी पिछले समय में बारिश हुई है, आंधी झक्कड़ आया, जिस तरह से गेहूं की खड़ी कनक उत्तर भारत में नुकसान ही गया,
तो हम इसलिए बोलते रहे ना फसली बीमा योजना लाओ, ठीक है। तो कई भाजपा के लीडर बोल रहे हैं ये मांग रखनी चाहिए, भाई हमारे मांग पत्र में तो ये मांग पत्र पहले से है, सरकार अपने प्रीमियम पे फसली बीमा योजना लेकर आए। तो ये बातें तो उन्होंने मन बना लिया है। हमने आदिवासियों को जो मांग रखी भी पांचवी सूची संविधान की जिनमें उनके आदिवासियों के हक हैं उसको लागू किया जाए, और नरेगा 200 दिन या 700 रुपया दिहाड़ी, इन मांगों के ऊपर मंत्रिमंडल में कोई वार्ता नहीं हुई। तो स्पष्ट संदेश है। और जो बात कर रहे हैं मोदी जी 2047 की, देखिए ना अभी तो देश 2019 से लेके 2024 का हिसाब मांग रहा है भाई। आपने अगर विकास किया तो किसका किया बता दीजिए। और इससे पहले का जो आपने बोला था 15-15 लाख लोगों के खाते में डालेंगे, फिर बोल दिया जुमला है। उसके बाद जो पिछली बार बोला था डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आपने हलफनामा दायर कर दिया कि यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। तो ये हिसाब तो देश मांग रहा है पिछले 10 साल का, और आज भी मांगेगा। पिछले 5 सालों में आपने कहा था किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, क्या वो आमदन दुगनी हो गई? तो जो विकास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने, उनके ऊपर लक्ष्य लड़ने के बजाय अब उनको मालूम है कि इसके ऊपर अगर हम देश के समक्ष जाएंगे तो शायद देश खुश ना हो। तो वो 2047 की बात कर रहे हैं भाई, ये अगले प्रोग्राम है। जब आएंगे आपके उसके ऊपर जो पहले आपने चोन मैनिफेस्टो दिया था उसके ऊपर कैसे लागू कर लिया ये भी बताएं। तो ये हमारी मांग है भी माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर नहीं है। खेती सेक्टर जो उन्होंने सोच रखा भी हम कारपोरेट को इसके ऊपर कब्जा कराएंगे, और जो WTO से हमने बाहर आने की बात की थी उसके ऊपर भी कोई बोल नहीं रहा, या खेती सेक्टर के लिए WTO की नीति किस तरह से प्रभावी होगी इसके ऊपर भी कोई बोला नहीं जा रहा। तो इस तरह का उनका निर्णय है। तो दूसरी बात, जिस तरह से अब सुनील जाखड़ जी जो कुछ बोल रहे हैं, पंजाब के भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, तो उन्होंने कोशिश किया, पहले जानी जी बोलते थे पंजाब से, गरेवाल साहब बोलते थे, अब उन्होंने मोर्चा संभाल रखा। उन्होंने कल बोला, एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं बोला कि पंजाब हरियाणा की सरहद केंद्र ने क्यों रोकी, एक भी शब्द नहीं बोला कि हरियाणा में 70,000 अर्ध सैनिक फोर्स क्यों लगाए गए, भाजपा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। जिस तरह से हमारी टेरिटरी पंजाब को इस्तेमाल करके हमारे किसानों को जख्मी किया गया, हमारे जुआ को गोली मारकर शहीद किया गया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। ये किसानों का जो अक्षय खराब करने के लिए आप युवाओं को भड़का रहे हैं भाई, ये कैसी बात है? हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते, ये भी नहीं बोला भी देश के किसान को राजधानी में जाने का हक है। देश से पंजाब को अलग कर रहे हैं सुनील जाखड़ जी भी। पंजाबी क्यों देश की MSP के लिए, जो MSP गारंटी कानून बनाने के लिए सुनील जाखड़ जी का बयान है भी, आप क्यों अकेले पंजाब वाले बात कर रहे हैं, पंजाब को अलग थलग कर रहे हैं? हम कहते देश के कम से कम 100 संगठन KMM के साथ हैं, 100 संगठन SKM नॉन पॉलिटिकल के साथ हैं। तो हम तो देश का मुद्दा लेके चल रहे हैं, देश के लगभग 60 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं। सुनील जाखड़ जी बोल रहे हैं भी आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोहरा मापदंड किस तरह सा भी, पंजाब का जो भविष्य है वो देश के खेती सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ, पंजाब के लिए केंद्र सरकार अलग फैसला कैसे करेगी? जो सुनील जाखड़ जी को ये लगता है कि अगर हमें नुकसान हो सियासी तो पंजाब हरियाणा में हो, देश भर में क्यों हो? उनको लगता है पंजाब को अलग करके पीटा भी जा सकता है, पंजाब को अलग थलग करके कोई ना कहा जा सकता। तो इसके ऊपर वो बोले नहीं भी, जो हमें बोला जा रहा आप खालिस्तानी है, इस पर बोलना चाहिए सुनील जाखड़ को, ये बोलना चाहिए। बोलते हैं भी कांग्रेसियों का ये आंदोलन, इस पर बोले, ये बोलते भी पंजाब सरकार ने ये आंदोलन चला रखा है, बहुत से ये भी बोलते भी ये भाजपा का आंदोलन है। तो क्या क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर स्पष्ट किया जाए। और दूसरी बात, जो सरकार के चैनल है, जिस तरह की बात आ रही है भी, देखिए अब जो पंजाब में भी गोदी मीडिया की कमी नहीं रह गई, तो जिस तरह से बोल रहे हैं भी अब इलेक्शन कोड लगने वाला है, आपको आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, मोदी सरकार जब जीत के आएगी तो इसराइल से भी बड़ा हमला करेगी, ये सब बातें चैनलों पर चल रही हैं, पंजाब के कुछ चैनलों पर चल रही है। भाई कर ले, ठीक है ना, हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो देश के किसान मजदूर हैं। तो ये सरकार के हक वाले चैनल इस तरह की बातें जो चैनलों पर हो रही हैं, हम कहते भाई
हमें लक्षण कोड लग जाए ना लग जाए, हमारा इससे क्या मतलब है? हमने समा में हम बोल रहे हैं भाई, हमने कौन सी इलेक्शन लड़नी है, हमने कौन सी जाके टिकटें बांटनी। हाँ, जो मतलब है भी, जो किसान संगठन के पीछे पार्टियां हैं उनको फिक्र हो सकता है कि हमने जाकर तो वोटों में खड़ा होना है, उनके संगठन ने जाके कंपेन करनी है, उनको तो फिक्र होगा भी इलेक्शन कोड लग जाएगा तो अगर आंदोलन में आंदोलन चलता रहा भी हम क्या करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे या अपनी पार्टी की जो पीछे उनकी बात मानेंगे? हमें तो कोई नहीं, हमारे पीछे तो कोई पार्टी नहीं है ना, हमें को फिक्र, हम तो किसान मजदूर की बात करने वाले, तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। लग भी जाए, सरकार चुन कर भी आ जाए, जो हमने देश के समक्ष, देश की सरकार के समक्ष बात रखी है वो आज भी उचित है, कल भी उचित रहेगी। जो हमारे मांगे उनको कोई दोहरा नहीं सकता। हाँ, अगर लोग ये कहते हैं कि अगर तीसरी बार सरकार पिछली रिपीट होगी तो बड़ा हमला करेगी, भाई अगर घरों में बैठे रहेंगे तो उस हमले को रोक लेंगे या सड़कों पर रहेंगे तब उस हमले को रोक लेंगे? भाई आंदोलन तो आज भी करना है, कोई नई सरकार आ गई तब भी करना है भाई। तो आंदोलन में अपनी बात को रखना, देश के सामने स्पष्ट करना। जब देश नई सरकार चुनने जा रहा, नया प्रधानमंत्री चुनेगा, जिसको मर्जी चुन ले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, तो हम देश के समक्ष किसान की जो गाथा है, जो किसान की पीड़ा है, वो हमारा रखने का वर्जा देश के सामने रख रहे हैं। चाहे जितने विरोधी दल हैं, चाहे सरकार है, हमारा मानना जो भी विरोधी दल हैं वो किसान मजदूर के पक्ष वाले नहीं, ये स्पष्ट कर देते। उन्होंने भी जब उनके पास सत्ता रही, जिन्हें चाहे वो जितनी सूबाओं की लीडरशिप रही, उन्होंने भी यही कुछ किया जो अभी भाजपा कर रही है। कोई ज्यादा मुखर होके करता, कोई थोड़ा धीमे करता। तो उनकी जब सरकार रही, जो भी विपक्ष के घटक रहे हैं, उन्होंने भी WTO चाहेंगे कल शुक्रन जी के वहाँ पर अंतिम अरदास भी हो गया, अभी कुछ घोषणाएं भी नहीं की हैं, तो किस दिशा में जो है अभी आगे का आंदोलन हम देख सकते हैं? देखिए, जो देश के दो बड़े फॉर्म हैं, किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक, जो कल शहीद सुपकरण सिंह जी बल्लू, जो उनका कल अरदास या शहीदी समागम था, उसमें जो हमने निर्णय लिए हैं, और शहीद सुपकरण सिंह जी बल्लू के जो विचार हैं, जो उन्होंने आंदोलन में आने के लिए सपने ले रखे थे, उनको कैसे पूरा किया जा सके। एक तो मीडिया में जो अलग अलग तरह की बातें आ रही है, ये उचित नहीं होता कि आप किसान आंदोलन के जो भी ऐलान होता है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करें। स्पष्ट सी बात है कि जो